अगला काम जो हमारा है वो है प्रोडक्ट कैटेगरी बनाना, और उसके लिए हम जाएंगे प्रोडक्ट, यहाँ पे हम नाम डाल देंगे जैसे टी शर्ट, और यहाँ पर भी हम यही डाल देंगे। हम ये बेसिक हम इसको कॉपी कर लेंगे जो हमारे यहाँ पे हमारे पास डला हुआ है, और हम इसको जाएंगे डिस्क्रिप्शन है उसमें हम इसको डाल देंगे, और फिर हम प्रोडक्ट जो इमेज है उसको हम यहाँ से कोई भी इमेज डालेंगे। अब हम जाएंगे यहाँ पे एक और कैटेगरीज बनानी, और उस कैटेगरी का हम नाम रखते हैं, हम इसका नाम रखे थे जीन्स, और यहाँ पे हम नीचे भी जीन्स रख लेते हैं। उसके बाद हम छोटी सी उसकी डिस्क्रिप्शन नाम रख लेते हैं। फिर हम जाएंगे अपलोड इमेज, और यहाँ से हम कोई इमेज सेलेक्ट कर लेते हैं और इसको हम अपलोड कर देते हैं, लगा के हम इसको ऐड कर देते हैं। ये आपने देखा कैटेगरी बन गई। अभी हमने दो कैटेगरीज बनाई हैं, एक हमने बनाई है जींस के नाम से, दूसरी टी शर्ट के नाम से, और हम वापस डैशबोर्ड पे जाते हैं